कंटेंट अपडेट गाइस। जस्ट अभी हम जा रहे थे सिविल लाइन साइड और रास्ते में पता क्या कांड हुआ, ये देखो जी हम वहाँ से निकल बाहर आ गए। देख रहे ये पूरा मेन बॉडी चेचिस से लाइफ होके निकल आया था, मतलब कल ही चलाया। ये जुड़ा था एक्चुअली जुड़ा बिल्डिंग से ही था ये पार्ट यहाँ पे, बट पूरा ढुनक के निकल आया। बच गए फुलाटे फुलाते बच्चे भाई, वरना लड़ भी सकते थे बहुत गंदा। मतलब ये गाड़ी के नीचे आ गया, मतलब ऐसे यहाँ से टूटा, ऐसे टूट के बाइक के नीचे निकल गया। और हम थे मेन रोड पे, वहाँ ऐसा नहीं कि छोटी मोटी गली में, मेन जी टी रोड पे खड़े, सैली रोड पे, ये जी टी रोड ही समझ सकते हो इलाहाबाद की। भाई बाल बाल बच्चों अब इसको क्या किया जाए, इसको भाई गर्मी लगने लगी जाने में अचानक से शरीर में, अब इसका क्या किया जाए यार, इसको कैसे जोड़ा जाए। जोड़ा जाए ठीक है, इसको ले कैसे जाया जाए। अभी आस पास में देखना कोई शॉप हो या मिल जाएगी वहाँ इसको रख देते हैं, बात जुड़वा के देखा जाए क्या करना। चलो आगे बढ़ाते हैं थोड़ी बात। तो गाड़ी हम रखवा चुके हैं सामने दुकान पर, मॉरल ऑफ द स्टोरी भाई गाड़ी निकालो, एक नट बोल्ट देख लो और टू स्ट्रोक है कोई तो फिर भाई बहुत ज़रूरी है। अरे मैं सोच रहा इसको बनवाने का, हम लोग आज ही मैं गया भी दुकान तक, बट मैं सोचा कि यार चलो अभी जिस काम से जा रहे उसको निपटा लेते हैं, उसके बाद बनवा लेंगे। डबल पता कांड हो गया, अलग चिकनी भी है गाड़ी यार, लग जाती है ऐसे मोस्टली गाड़ी लग जाती नहीं रहती है आर एक्स यहाँ पर मैंने देखी है। चलते अपना काम निपटाते हैं फिर वापस आएंगे, किसी को बनाएंगे बनवाएंगे देखते कितना खर्चा बैठता है। इट्स लिटिल टू डार्क हो गई हमको शाम आते आते, और अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे कितने चला गया। तो हम गाड़ी में वापस आ गए थे ना बिना उसके लेग गार्ड के, सामान मैंने लेग गार्ड उठाई नहीं अभी वापस भाई, मतलब कितने ज़्यादा मतलब स्लिम लग रही गाड़ी है। मेरे जैसे देखो समझ में आया था गाड़ी कुछ स्लिम लग रही, मैं चलाने के बाद चला था कुछ अलग सा, देख सकते हैं पूरा ऑयल का मार्किंग पड़ा हुआ है, जस्ट आर एक्स मिनट मार्किंग इट्स टेरिटरी भाई बहुत ज़्यादा होता है आर एक्स मिनट में, हद से ज़्यादा ये चीज़ होनी ही होनी है। मतलब कितना प्रिवेंट करोगे यार, मतलब हर 1000 किलोमीटर पे या 800 किलोमीटर पे ये चीज़ आनी ही आनी है। आपकी ऑयल पैकिंग ख़राब होगी, क्लच की पैकिंग ख़राब होगी, कुछ ना कुछ होना ही होना, मतलब ले देके वो लीकेज आएगी ही आएगी। सब उसको निकालते हैं बाहर और चलते हैं अपना पुर्जा लेने। मशीन खुल गई, एक दर्जन चाबी, जस्ट नॉर्मल हेड एक पार्क 100। ओह माय गॉड न्यूट्रल लाइट चल रही है भाई, जिसका यहाँ पे न्यूट्रल स्विच जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया है, यहाँ पे कहीं भी है तो सही करवाना। चाबी लगाते हैं, हेलमेट वेलमेट तैयार होते हैं, चलते हैं इसमें सामान वापस लेके आते हैं। आज तो हो नहीं पाएगी वेल्डिंग वगैरह, मतलब जो भी होगा इसका वेल्डिंग हो गया, पूरा पार्ट चेंज नहीं होगा, वेल्डिंग स्क्रू से लग जाएगा वो, चल के देखते हैं अभी। सो गाइस हम लोग गाड़ी अपनी ले आ चुके हैं वापस अपने पार्किंग खड़ी करने जा रहे हैं, और अभी मैंने उसे बनवाया नहीं क्योंकि नहीं बन रही थी यार, मतलब उसमें थोड़ी सी दिक्कत यही है कि रात टाइम पे बनेगी नहीं वेल्डिंग होने से रही, और दूसरी दिक्कत ये है कि ऐसे अच्छी लग रही यार, मतलब ऐसे भाई फोकस हो जा, ऐसे मेरे को नॉर्मली अच्छी लग रही, मतलब देखो काफ़ी स्लिम सी लग रही है। और ओवरटेकिंग वगैरह मैं जब करा था ना तो काफ़ी मज़ेदार लग रहा क्योंकि यहाँ से ये इतना बड़ा पार्ट है, कम से कम यहाँ तक आता फिर ऐसे जाता है बटरफ्लाई वाला कट, तो काफ़ी बड़ा लगता है। कैसे नहीं पता चलेगा, मैं ऐसे बैठ गया होगा तो समझ में आएगा, देखो बैठ के जब हम गाड़ी अपनी देखेंगे ऐसे, सो वो लेग गार्ड जो है मतलब इतना लेग के बाहर है। पर ये एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर इनकेस कुत्तों ने दौड़ाया तो यहाँ पर मेरा सीधा पैर आएगा और वहाँ पर लेग गार्ड रहता तो वो बचा लेता, और सेम गोज़ विद हेयर, सामने सीधा इंजन आ जा रहा है इनकेस ऑफ क्रैश या कुछ ख़तरनाक तरीके से अगर लड़े तो वो काफ़ी हेल्प करेगा। और ये किस चीज़ का लोग है किसको पता है तो बताओ प्लीज़, if you are Yamaha fan then let me know what is this logo is all about।